हम जनपद सामली के गांव पिडोरा में पहुंचे हैं, जहां पर स्कूल में शौचालय खंडन नजर आए। उन खंडन शौचालयों को देखकर जहां बच्चे बाहर खुले में शौच कर रहे हैं, हम गांव में ही पिडोरा गांव में ग्राम प्रधान के पास पहुंचे, लेकिन ग्राम प्रधान मौके पर न होने के कारण ग्राम प्रधान के ताऊ मिले हैं। उनके ताऊ से हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपका नाम? श्रीपाल, ग्राम प्रधान पिंडोरा के ताऊ। श्रीपाल जी, बताइए, जो गांव स्कूल में पिंडोरा में सरकारी स्कूल में आपके खंडन शौचालय पड़े हुए हैं, और अधिकारियों के सख्त आदेश के बाद भी, सरकार के सख्त आदेश के बाद भी वे शौचालय नहीं बने, और बात स्कूल के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो खुले में शौच कर रहे हैं, तो कार्य क्यों नहीं हो पा रहा, निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा? चार शौचालय तो पहले ही बनवाए थे जी, चार उससे पहले थे। ये भी 11 तारीख का जो चुनाव हुआ था, इसमें भी चार शौचालय चालू करवाए थे, लेकिन गेट न आने की वजह से छुट्टी के बाद में यहाँ इतने बच्चे खेलते हैं, बड़े पत्थर मारते हैं, उनके किवाड़ तोड़ दिए, फाड़े तोड़ दिए, एक दो बार देखने के लिए जहाँ तक तो भाग जाए। नहीं नहीं श्रीपाल जी, देखिए, हम उसमें स्कूल में जो देखा है शौचालय देखे हैं, वो खंडर पड़े हुए हैं, और एक शौचालय चालू भी है, लेकिन वो उसमें ताला लगा हुआ है। अध्यापक जो वहाँ शिक्षक हैं, वो ताला लगा कर रखती हैं, जिसको ताला खुलवाया तो वो ऐसा लगता है कि सालों से यूज ही नहीं हो पाया तो। और जो वहाँ पर सफाई के नाम पर आप सफाई के नाम पर बात करें, तो घास इतनी जमी हुई है, तो सफाई के कम काम में क्या होता है? नहीं, सफाई का तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, इसके बाद में पिछले साल भी राउंड अप लगवाई थी, ठीक हो गया, अब कर फिर लगवा देंगे, चार पाँच दिन का काम चलेगा। तो ये शौचालय वाला जो निर्माण है, कब तक पूरा हो जाएगा? बस आपका पहले शौचालय भी देखे नहीं, पहले गेट लगा दें शौचालय। नहीं, कहीं कहीं सरकार भी आदेश दे सकता आदेश है, और अधिकारियों की भी सकता है कि खुले में सोचना करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि सब खुले में सोचना हो, और हमारा जिले के अधिकारी जो भी हैं, स्वच्छ मुक्त हुआ था जिला सामली और एक हुआ था, तो आपके गाँव में यहाँ से खुले में सोच जा रहे हैं बच्चे? तो नहीं, खुले में तो ऐसे जा रहे हैं ना, देखो जी, 800 बन ली, वे ढा फोड़ दी, बन तो 8 लिए जी, है तो हमने अभी बनवाई थे, दो पहले ही चालू थे, ऐसी कोई बात नहीं। हम बात कर रहे थे शामली के गांव पिंडोरा में, जहां पर सरकारी स्कूल में ही बच्चे खुले में सो जाते हैं, और स्कूल में जो शौचालय बने हुए हैं, वो खंडन नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार के सख्त आदेश के बाद भी अधिकारी लापरवाही बरतते हैं और ऐसे स्कूलों में जाकर नहीं देखते, जहाँ फिर भी बच्चों को खुले में सोच करना पड़ता है। अब देखना यह है कि अधिकारी क्या इस पर कोई संज्ञान ले पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे, और शौचालय का निर्माण दोबारा हो पाएगा, बच्चे फिर दोबारा शौचालय में खुले में सोच ना जा करके शौचालय में जा पाएंगे। कैमरामैन सहयोगी नौशाद राणा के साथ उमर खान, साधना प्रदेश, शामली।